हमारी जर्नी के लिए बात की जाए तो 2019 अगस्त 15 क्या टाइम था भाई आपका, और क्या दिन था वो कि इंडिपेंडेंस, और हमें भी आपने आजादी की ओर, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल आजादी की ओर उस दिन चलने के लिए आपने इनवाइट किया, और भाई की कोई बात मना नहीं कर सकते थे, तो पता नहीं ईश्वर की देन है या जो है, उस दिन हमने हाँ कर दी और ज्वाइन हो गए। मुझे नहीं लगता कि उससे बढ़िया डिसीजन आज तक मैंने कुछ लिया होगा, एंड ऑन पैसिव में जुड़ने का, जैसे ही भाई ने बोला। एंड उसके बाद बहुत धन्यवाद भाई, आपने इसमें मुझे इंट्रोड्यूस दिया, और वो भी अच्छे तो टाइम पे। एंड 3 साल तक बस ये था कि, और एक कुछ अच्छी बात ये थी कि हैदराबाद में ऑफिस थी, तो उस टाइम पे ज्यादा लोग नहीं थे, और हैदराबाद में ज्यादा नहीं थे, तो हम, मैं जाके, भाई बोलते थे जाके देख के आओ कि है कि नहीं, तो हर हफ्ते वहां पे जाना, वहां पे वहां से फोटोज लेके भाई को भेजना। और जैसे नई ऑफिस, अभी आप सब लोग जो देख रहे हो नई ऑफिस है, पुरानी ऑफिस बोटानिकल गार्डन के पास है, हुआ करती थी, तो फिर वहां माधापुर पे जाना, वहां पे फोटोज खींच के भेजना। जब पहली होर्डिंग लगी, भाई ने बोला जाओ जाओ जल्दी जाके फोटो लेके आओ, तो फोटो लेके भेजना। फिर वहां पे एक चाय की दुकान होती थी, जहां पे घंटों घंटों भाई के लिए खड़ा होना, कोई मैनेजर आए तो उनसे पूछना कि क्या चल रहा है। ये दिस डॉलर, ये सब बहुत ही प्यारी मेमोरीज है। ये मैंने, मैं जैसी भाई इतना सपोर्ट करते हैं कि मैंने, मैंने ये चीज एक बहुत खूबी देखी है कि यहाँ पे क्रॉस टीम, ये टीम, मेरा टीम, उसका टीम, ऐसा कुछ नहीं। एवरीवन, ये बहुत ही बड़ी मैंने जीत की तरफ की काबिलियत होती है कि हम लोग हर एक को अपना मान के चले। और मुझे पता है कि मेरे सारे लीडर दोस्त लोग ऑन पैसिव को ईश्वर मान चुके हैं, तो उनके लिए ईश्वर का कोई बंदा मैटर नहीं करता है कौन से टीम से है। सो दैट इज हाउ ग्रेट ग्रेट गाइस, आपके लिए तो कितनी तालियां, क्या क्या सीटी मारे तो भी कम पड़े। एंड कमिंग टू इट, सो थैंक्स फॉर द बेस्ट गिफ्ट जैसी भाई। मुझे नहीं लगता कि कोई दोस्त किसी को ऑन पैसिव की फाउंडरशिप से बढ़िया गिफ्ट लाइफ में कुछ दे सकता है। और यहाँ पे जितने लोग हैं, मुझे लगता है कि जाने अनजाने में अपने टीम बनाने के चक्कर में, या अपने आप को एक लीडर बनाने के लिए तैयारियां की है, या उसके लिए कोशिशों में जितने लोगों को आपने ऑन पैसे में लेके आए, मैं ये तो पक्का जानता हूं कि एक दिन ईश्वर की दुआएं आपको, उनकी तरफ से आपकी लाइफ में दुआएं वो जरूर आएंगी। जहां पे दुआएं आती है वहां पे दवा की जरूरत नहीं होती है। सो डेफिनेटली आप लोगों को, आपने जिन लोगों को ज्वाइन किया, आपको काफी लोगों का लाइफ आपने बहुत बढ़िया बनाया, उसमें कोई बेशक शक नहीं है। एंड इस चीज को मेरे से बढ़िया तो कई लीडर अभी तक बात कर चुके होंगे, सो मैं उस पर नहीं ज्यादा बात करना चाहता। बाकी यह है कि ऑन पैसिव की एज ए टेक्निकल, मैं ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हूँ, सो अगर मेरा ये अपॉर्चुनिटी को मुझे बेहतर बनाना होगा तो मुझे लगता है कि मैं टेक्निकल बात करूं तो बेहतर है, क्योंकि बाकी मोटिवेशनल तो हमसे भरे तो सब है यहाँ पे। एंड या सो ऑन पैसिव की टेक्निकल आते ही दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि ना भूत ना भविष्य में ऐसा आपको कोई मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अभी 6 साल से मैं ब्लॉकचेन में हूँ, क्रिप्टो में हूँ, टेक्निकल डिलीवर, पर उसके 15 साल हमने भी जैसी भाई मैंने MLM ही किया हुआ है, नेटवर्किंग में आए हैं, तो हमने कई कंपनीज को देखे हैं जो पहले सालों चलती थी, फिर महीने, फिर हफ्ते, फिर दिन में, 6-5 दिन में कंपनी बंद होना, सबको देखा है, पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखा है जो 3 साल तक लॉन्चिंग ही रही, टेक्निकल डेवलपमेंट्स करती रही, टूल्स बनाती रही, मैंने एक ऐसी नींव खड़ा करती रही जो आगे जाके कभी किसी को ये ना देखना पड़े पीछे मुड़कर कि हमें, या कोई ऐसा डाउट आए कि ये कैसी चीजें हैं, ये चलेगी कि नहीं चलेगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी के वाइज में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे इन्होंने जो बनाया, सबसे पहली बात है कि सिंपल, बहुत छोटी छोटी उदाहरण दूंगा मैं, बाकी तो अगर एक एक टेक्निकली अगर एक एक टूल की मैं बात करूं तो शायद ये बहुत डेप्थ हो जाएगा और अंदर बहुत टाइम ले लेगा। सो जैसे ये है, सो सिंपल वे में फेशियल रिकॉग्निशन रखा गया है। हम जब ब्लॉक
ऑप्शन सी के थे तो हमें गूगल ट्रांसलेटर को यूज करना पड़ता था, क्योंकि 2015-16 में कोई यूट्यूब में भी कुछ भी नहीं था, जापानीज की लैंग्वेज में थी या जर्मन लैंग्वेजेस में थी, तो हम गूगल ट्रांसलेट को डाउनलोड करके उसको करके बहुत मेहनत से फिर हम लोग वो नोट्स बना के करते थे। पर अभी ऑन पैसे में तो वो इनबिल्ट गूगल ट्रांसलेटर है, माने आप एक बस हिंदी बोलो तो बंदा जो बोलता है चाहे वो अरबिक हो, जर्मन हो या वो फ्रेंच हो, किसी भी भाषा में हो, आपको तो हिंदी में दिख जाएगा, इंग्लिश में दिख जाएगा, तेलुगु में दिख जाएगा, तमिल में दिख जाएगा, पंजाबी, जो भी, विद इन ए क्लिक। आप लोगों को ये पता नहीं है कि ये कितनी बड़ी चीज है। एंड इट्स नॉट दैट इजी कि माइक्रोसेकंड नैनो सेकंड्स में आपको एक वॉइस कन्वर्शन करके ट्रांसलेशन करके आपके सामने रखी जाए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है उन विद्यार्थियों के लिए या उन प्रोफेशनल्स के लिए जिनको बहुत कुछ सीखना होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में आते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज, ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। एंड वो एकेडमी में भी आपको ये बहुत आगे काम आएगा। और ब्लॉकचेन का तो आई लव इट, मैं 6 साल से प्यार हुआ है उससे, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो कॉइन हो या जो आपका ओ पे हो, ओ वॉलेट हो, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम से ही, जो एस जी ने बताया था कि वी आर इनटू डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, तो आपको आगे जाके पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पता चलेगा कि एक आम आदमी के हाथ में एक तलवार है, जो भी जंग वो लाइफ की जीतना चाहता है। आज बैंकों से कोई 35,000 चुराता है तो 4,000 चुराता है, तो किसका पैसे समझ के चुराते हैं। तो व्हेन डिसेंट्रलाइजेशन आता है तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। और ऑन पैसिव डे वन से डिसेंट्रलाइजेशन में आए, एंड कंग्रेट्स टू एवरीवन इंक्लूडिंग मी। सो और बाकी तो आपको पता है कि एस जी ने ये भी बताया कि ग्रीन माइनिंग कॉन्सेप्ट एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। वो ये कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया में ना बिटकॉइन की माइनिंग POW की वर्क स्ट्रक्चर को बदल रहा है। वो इट्स ए रेवोल्यूशन, वो पूरा एक रेवोल्यूशन है। एंड अभी एस जी उनको लेके स्टार्ट से ही चल रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। एंड एस जी ने बताया था कि जो भी ग्रीन माइनिंग होगी फाउंडर्स के लिए, दे विल बी पार्ट ऑफ माइनर्स। आपको माइनर्स का पावर पता नहीं है, हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर जैसी जी या हरप्रीत जी, जीवी राव भाई कभी मुझे मौका देंगे आपको समझाने का तो जरूर मैं समझाऊंगा, ये मेरी सब्जेक्ट है, तो उस दिन मैं आपको माइनिंग की पावर समझाऊंगा और आप एक माइनर बन के क्या कर सकते हैं वो भी समझाऊंगा। एंड इसके बाद आपको तो ये तो पता है कि लेजर टेक्नोलॉजी की बात की है, अब उसके बारे में आप जितना सोचोगे आपका दिमाग एक जगह पे जाके, जहां पे आपका दिमाग जाके थम जाएगा, एस जी की या अपने टीम की दिमाग की सोच वहां से शुरू हुई है। लेजर टेक्नोलॉजी की भी हम लोग आगे और जानकारी एस जी जब देंगे सर तो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में भी। एंड बाकी तो आप लोगों को ये भी बताया गया है कि एस जी ने की वर्चुअल डेक्स वॉलेट है, सो आपका एक वर्चुअल बैंक है जो आप वो वॉलेट के जरिए करते हो। एंड मैं बोल रहा हूँ ना, ये बोलने में तो मेरे को 1 सेकंड लगता है, 1 मिनट लगता है, बट ये बहुत बड़ी चीजें हैं। इनको हासिल करने के लिए अगर आपका दिमाग किसी के दिमाग से आगे से सोच के स्टार्ट करनी होगी तो आप समझिए उसके पहले इन लोगों ने कितनी क्या प्रिपरेशन की होगी, कितनी चीजें इन्होंने सीखा होगा जहां से ये एडवांस्ड में सोचना शुरू किए। सो एनी हो, हर एक जैसे आज सर ने बताया लास्ट स्प्रिंट में है। स्प्रिंट मीन्स एक छोटा सा काम होता है बिफोर डिलीवरी, एक चीज को लाइव करने में जो भी छोटी छोटी रंग या हुआ या छोटी चीजें होती है लास्ट स्प्रिंट में, वो टेस्टिंग होती है। स्प्रिंट माने वही होता है 1 हफ्ते की, तो वो भी डन है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ हमारे तो अभी सीखने के दिन है। अभी तक हमने ऑन पैसिव को बनाया, अभी बस वो सीखे जो जिसको आप लोगों ने बनाया है, जिनके लिए आपने इतनी मेहनत करके इतने बड़े बड़े टीम लिए। मजाक नहीं होता है 3 साल में किसी को 1 रुपए नहीं आए और टीम को मैनेज करना, 2-3 लोगों के ही फोन नहीं उठा पाते हैं, आप तो हजारों लोगों को दे रहे हो, तो यार आप तो आपकी पेशेंस और आपका धैर्य जो है उसकी तो दाग देनी पड़ेगी। एंड इट्स टू ग्रेट, और वो भी क्रॉस टीम्स को भी सपोर्ट करते हो। एंड हरप्रीत जी जैसे, जीवी राव सर जैसे, जैसी भाई मांगेराम जैसे लोग जो लाइव आके लोगों से इंटरेक्शन करते हैं और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, तो इट नीड्स ए गट्स होना पड़ता है ऐसे चीजों के लिए, और प्यार होना पड़ता है उस चीज से जिस चीज के लिए वो कर रहे हैं। तो
थैंक यू ऑल एंड थैंक यू ब्रदर जेसी एंड हरप्रीत जी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी और जेसी भाई कितने बार भी थैंक्स बोल दूं यार तेरे को कम पड़े कि तूने मेरे को ऑन पैसे में लाया है तो बस लास्ट में ही करूंगा कि ईश्वर आप सब लोग वाहेगुरु जी खालसा जय हिंद।